तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें काफ़ी अच्छे व्यू गए थे और उनमें काफ़ी मेरे को फीडबैक आया था कि हम मैं कैसे डायरेक्शन बताऊं LPD एंटीना की, कैसे सेट करते हैं डायरेक्शन। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्शन बताऊंगा कि कैसे हम एंटीना को कैसे हम इस एंटीना को मोबाइल टावर के डायरेक्शन में सेट करें। और मैं ये भी बताऊँगा कि ये अच्छा नहीं है उतना, मुझे लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं अभी बताऊंगा कैसे इसको सेट करते हैं, कैसे इसको सेट करेंगे, फिर बताऊंगा इसके ड्रॉबैक क्या है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मार्किन 7 चैनल को और इस घंटे को दबाएं ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल का, तो एयरटेल का सब यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं ओपन कर लूँगा ओपन नेटवर्क एयरटेल का। तो मेरा लोकेशन जो है मैं वो ओपन कर लेता हूँ, अभी मैं बलिया में हूँ तो बलिया लोकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा बलिया का 2G नेटवर्क, ये रहा, ये देख लो आप एयरटेल का, airtel.in/open-network, ये एयरटेल का है, यहाँ पे सारी नेटवर्क दी जाती हैं। तो मैं बलिया से एक छोटे से गांव में रहता हूँ, पहले मैं 4G सेट कर लेता हूँ इनकी। 4G सेट हो गया, मिनिमाइज करके चेक करूँ कहाँ पे हूँ मैं। बलिया के यहाँ पर ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, बलिया उत्तर प्रदेश करना है मुझे। ये रहा बलिया का असली मैप। तो इधर से मैं इधर आऊँगा और ये लोकेशन मुझे वैसे प्रॉपर याद है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और लग रहा है मुझे प्रॉब्लम। तो ये पास में गंगा जी बहती हैं हमारी, सरस वाली दुगहन, और ये रहा हमारा गाँव नगवा अखार। तो अभी मैं प्रॉपर यहाँ पे हूँ इस गाँव में, ये करंट लोकेशन चेक करता हूँ। नहीं बता रहे इसमें लोकेशन वगैरह, तो मैं प्रॉपर इस गाँव में हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो इसके लेफ्ट साइड भी टावर है और राइट साइड भी टावर है। तो मेरी जो मैंने लगा रखा है, मैंने दोनों एंगल पे लगा रखे हैं, लेफ्ट भी राइट भी, क्योंकि ये डबल बैंड है, दोनों कनेक्ट करेगा। तो इसका मैंने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीनशॉट, इसका मैंने एक प्रिंट स्क्रीनशॉट लिया। और इसको मैं एक, जैसे मुझे फोटोशॉप आता है क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे फोटोशॉप काफ़ी अच्छे से आता है। तो मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इसको एंगल वाइज मॉडिफाई किया है सेट। तो फोटोशॉप ओपन हो रहा है, चलो मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं वो पेस्ट करता हूँ और जहाँ पे मैं हूँ उसको मैं मार्क कर देता हूँ अच्छे से ताकि पता चलता रहे मैं हूँ कहाँ पे। तो मैं इस लोकेशन पे हूँ और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इनके, जहाँ पे ये है, एक यहाँ से ऐसे और एक यहाँ से ऐसे, ये दो लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। और इन दोनों को मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि लगे, ठीक है, ब्लैक हो गया। अब मैं प्रोटेक्टर लूँगा जिसकी वजह से मैं एंगल पता कंफर्म कर लूँ। तो ये रहा, और इसका मैंने डाउनलोड कर रखा है प्रोटेक्टर, इसको लेके मैं बस सिंपल साइज में रख दूँगा। और जैसे हम बचपन में घुमाते थे उसको, उस तरीके से घुमा के इसको सेट करना है ताकि हमें एक एंगल चल सके इनके बीच की कितनी दूरी रहेंगी।
आप देख सकते हो ये कम से कम आपकी 90 जा रही है, 90 एंगल, और ये 109 एंगल पे आपको ये दोनों एंटीना को रखने हैं। और जब दोनों एंटीना को आप 109 पे रखोगे तो फिर आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अभी आपको दिख रहा होगा मैंने एक वर्टिकल ही रखा है, एक हॉरिजॉन्टल टिल्ट करके रखा डायगोनल में, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा आता था मेरा पहले, लेकिन अब नहीं आता। अब मैं आपको, अभी मैं ये यूज़ ही नहीं करता, अब मैं स्टॉक एंटीना यूज़ करता हूँ। और आपको मैं अभी का दिखा देता हूँ अभी कितना चल रहा है। अभी कितना आ रहा है, क्योंकि पहले काफ़ी सही चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है। ये मैंने कॉन्फिडेंशियल इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने बैंड 40 यूज़ कर रखा है और मैं अभी लैन केबल के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ इसको। मेरी स्ट्रेंथ आ रही है 50% और मेरा अभी स्टॉक एंटीना है, एक्सटर्नल एंटीना मैं यूज़ करना बंद कर दिया हूँ क्योंकि वो अच्छा मुझे नहीं देता रिस्पॉन्स। स्टॉक एंटीना अच्छा रिस्पॉन्स देता है अगर लॉन्ग चलना है तो। मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे आपसे यही विनती है कि आप LPD एंटीना पे ना जाएं, स्टॉक एंटीना जो है वही प्रीफर करो, वही सही रहेगा। बस मतलब एक महीना मेरा अच्छा चला वो स्टॉक, वो एक्सटर्नल एंटीना, उसके बाद से मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी उस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं तो मैं लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि वही ख़रीदें, क्योंकि वो एक लिमिट टाइम के लिए अच्छा है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो किसी काम का नहीं रहा। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, मैं वैसे नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा फीडबैक है कि ना लें आप। तो आप देख सकते हैं MBPS 18 MBPS आ रही है इंटरनल से, इंटरनल एंटीना आपका। और मैं एक बार इस पर आ रही 18। अब मैं इसके साथ fast.com पे चेक करता हूँ कि fast.com पे कितना आ रहा है स्पीड आपका। fast.com पे आपका सेम आ रहा है। अब मैं इसी वक्त अपने मोबाइल पे भी चेक करता हूँ इस पर कितना आ रहा है। कहाँ गया मेरा क्रोम, इस पे आ रहा है 22। और मैं इसी वक्त अगर इसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करूँ तो वो तो शायद दे ही रखा मैंने इसमें, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन तो है। चलो ठीक है, अब मैं अपने मोबाइल पे चेक करके आपको शो करा देता हूँ। अब मैं अपने मोबाइल पे शो कर देता हूँ कि इसमें स्पीड कितनी आ रही है। क्रोम ओपन करता हूँ, ये इंटरनल एंटीना है आपका, इंटरनल एंटीना इंटरनल जो इसका चल रहा है जहाँ मैं अभी हूँ, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है और क्रोम पे कितना आ रहा है आप चेक कर सकते हो। बेनिफिट है, मतलब आपको नॉर्मल यूज़ करना है, स्ट्रीमिंग करना है, यूट्यूब देखना है, तो ये अच्छा एंटीना है, अच्छा राउटर है TP-Link का MR600, लेकिन एंटीना मैं नहीं कहूँगा, प्रेफर नहीं करता। तो आप देख रहे हो ये नहीं चल रहा, अब चल रहा है धीरे धीरे। तो मैं जहाँ पे हूँ अभी वो पूरा ही विलेज एरिया है, आप मैप भी चेक कर सकते हो, पूरा विलेज, शहर से 10 किलोमीटर दूर है पूरा गांव। तो मोबाइल में आ रहा है आपका 2 MBPS और इसको TP-Link MR600 कन्वर्ट कर रहा है आपका 20 MBPS में, और एक्सटर्नल एंटीना काम अब नहीं करता, वो 15 MBPS पे रुक जाता है, वो अच्छा नहीं दे पाया रिजल्ट। तो यही था हमारी कहानी, तो अब आपके ऊपर है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, मैं प्रीफर नहीं करता। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।